साथियों ये आप देखो कि ऋषि नगर सब्जी मंडी वाले पार्क के साथ ये गली है मेन। पिछले चार दिन से यहाँ लाइट नहीं है, रात को अंधेरा है, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट के अंदर सारी लाइटें बंद पड़ी हैं और अब दिन में 1 बजे का टाइम हुआ है 12:58। अब ये देखो पूरी गली की लाइटें जल रही हैं, आगे तक की पूरी गली की लाइटें जल रही हैं, ये आप देखो। और ये वो देखो आगे और जो डेडलिंग के आगे लगी है ये लाइटें जल रही हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ NDPL के राज में किस तरह से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है और रात को लाइटें ही जलाते नहीं है, इसके क्या कारण है स्पष्ट। और दिन के अंदर यहाँ पे लाइटें बंद हो जाती हैं, लाइट चालू है दिन में, रात को लाइट जब जरूरत होती है जब चलती नहीं। ये देखो सामने आपके ये लाइटें हैं, एक MCD के पार्क के अंदर लगी हुई है और एक ये लगी हुई है, ये चार आपके सामने आगे पूरी गली में चल रहा है। इस तरीके से सत्ता का पावर का दुरुपयोग हो रहा है और उसका पैसा जनता की मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ और इसी क्षेत्र सभी नेताओं का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ, NDPL के सभी नेताओं को ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आप देख लो, ये देखो अहूजा रेगलिंग के सामने भी ये है और पिछले 35-40 दिन में 4 बार लाइट कट चुकी है यहाँ पे। जनता की गाड़ी कमाई से पैसा वसूल किया जा रहा है, दुकानों पर फिक्स चार्जेस बंद, दुकानों को भी किराया देना पड़ रहा है मीटर का। बिजली जो कि जबकि जो भी बोलता है इसका किसान प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन कितनी दुकानें ऐसी पड़ी हैं जो कोरोना में बंद हो गई और उनको फिक्स चार्जेस और कई तरह के चार्जेस देने पड़ रहे हैं और बिगड़ वजह से उनके पेनल्टी पड़ रही है, ऐसे बहुत से किस्से हैं हमारे पास।